सो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो गाइस, आपके फरमाइश में यार कर्ल डीओ के हम लोग प्राइस अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं और देखेंगे इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट आई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग मेन जो है हमारा फोकस अभी प्राइस अपडेट को लेकर रहेगा। अभी जो करंट प्राइस जो चल रहा है कर्ल डीओ टोकन का, मैं आपको बता दूं कर्ल डीओ टोकन क्या है। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कर्ल डीओ के बारे में। ये डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है कर्ल डीओ टोकन और कुछ भी नहीं है। ठीक है गाइस, मेन इनका मकसद ये है कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज को कर दिया जाए, सब कुछ ये कर दिया जाए। तो मेन इनको डिसेंट्रलाइज को ज्यादा सपोर्ट ये लोग करते हैं और ये डिसेंट्रलाइज टोकन है एक कर्ल डीओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी करंट प्राइस है यहाँ पे आपको 1250 देखने को मिलेगी। एक टाइम पे इसने यहाँ पे 1000% का इसने रिटर्न लोगों को दिया भी है। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे आप देखो ऑल टाइम देखो तो +1119% ये अप गया था। जो हाईएस्ट जो इसका अप है इसमें आपको 4 जीरो देखने को मिलेगी, 0.000465 का जो अब इसने दिखाया था एक टाइम पे। ठीक है, तो अभी अगर मैं अभी 1 मंथ की बात करूं तो अभी मार्केट वैसे ही बहुत बेयरिश चल रहा है। तो यहाँ पे 31% ये डाउन चला गया है यहाँ पे। तो हाई प्राइस यहाँ पे देखो ये था और ये लो अभी चल रहा है काफी। तो अगर आप यहाँ पे मैं बताऊं, अगर आप करीब $7-1 लगाते हो तो आपको करीब 10-1 लाख आप कर्ल डीओ टोकन आप होल्ड कर सकते हो। मतलब करीब आपको $70 लगाने पड़ेंगे 1 करोड़ कर्ल डीओ टोकन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, खरीदना चाहते हो तो आप $70 में आप 1 करोड़ कर्ल डीओ टोकन आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, और ये काफी एक्सचेंजेस में अवेलेबल है। और अभी इसकी अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो $30.36 मिलियन की मार्केट कैपिटल है। वॉल्यूम में बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, $2.41 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया इसका काफी। यहाँ पे अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो लगभग 43.18 बिलियन, मतलब ये 43 ट्रिलियंस की इसकी सप्लाई है। मतलब 43 ट्रिलियंस की आपको सप्लाई देखने को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी। और ठीक है, ये मैंने आपको बताई दिए यहाँ पे। आप एक $7 लगाओगे तो 10 लाख टोकन आप खरीद सकते हो, $70 लगाओगे तो आप 1 करोड़ टोकन आप होल्ड कर सकते हो कर लियो। ठीक है, तो ये अपडेट थी इसकी। और एक बार देखते हैं ट्विटर पे इनके कोई अपडेट। यहाँ पे ट्विटर पे इनके 68.4 थाउजेंड होल्डर्स, आई मीन टू से फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, नॉट होल्डर्स। ठीक है, और यहाँ पे इनके होल्डर्स भी काफी हैं वैसे, मतलब 25-1 हजार से ऊपर इनके होल्डर्स है। और यहाँ पे देखो अभी कोई खास कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। रीड द कर्ल मेन टैग यहाँ पे, ठीक है, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम बाइंग मोर कॉल्स कैप्टो डॉट कॉम एक्सप्लेनिंग व्हाट आर डीओ इज लेस देन 5 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्टो डॉट कॉम सपोर्ट कर रहा है इसको थोड़ा बहुत। अंडरस्टैंडिंग कर्ल्ड इज टेक्नोमिक्स टूडे फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है, टॉप 15 कॉइन्स में कर्ल्ड आता ही रहता है यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे बाकी कोई खास अपडेट नहीं है। और ये देखो कर्ल डियो लोग इसको पर, मतलब यहाँ पे यार एक कम्युनिटी पे आधारित एक टोकन है, लोग बाग इसको काफी सपोर्ट करते हैं कर्ल को। ठीक है, मतलब जितने इसको कम्युनिटी सपोर्ट करेगी तो ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि यार आज आपने पैसा लगाया बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म होल्डर हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को शायद नहीं मिले, बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है, अगर आप इसको 4 या 5 साल के लिए, 2000 आपने वॉलेट में डाल के छोड़ दिया, भूल गए 3-4 साल के लिए, तो आपको हो सकता है ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के दे दे। अभी तो खासकर कुछ 2023 के अंदर तो मैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकता, इसके प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, इसका क्या क्या प्राइस प्रिडिक्शन हो सकता है। बट मेरे ख्याल से 2025 के अंदर ये कम से कम $0.001 तक जा सकता है। 2024 या 2025 में हो सकता है $0.01 भी चला जाए, 1 सेंट भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गाइस, इससे ज्यादा हम लोग कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ, 2030 के अंदर जरूर मानता हूँ कि $0.10 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसकी बर्निंग ये सब चीजें अगर कंटिन्यूसली लगातार चलती रही तो। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की बात। और यहाँ पे देखो अभी जो करंटली जो रैंक है 473 नंबर पे चल रहा है कर्ल डीओ इस वक्त, क्या कहते हैं कॉइन मार्केट कैपिटल पे। ठीक है, इसके अलावा इसके एक बार होल्डर्स भी चेक कर लेते हैं अगर आप कहते हो तो। यहाँ पे देखो 17,422 होल्डर है, मतलब 20,000 से कम होल्डर है। हालांकि इनका कहना है कि इनके होल्डर्स इससे ज्यादा है, पर मुझे समझ में नहीं आया वो क्या रीजन है, क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और ये 43 ट्रिलियन के आसपास इनकी सप्लाई है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी प्राइस यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप दिखा रहे हैं, ग्रेट टोकन विद ग्रेट टोकनॉमिक्स है ना, और स्कैम मीम टोकन यूजलेस, काफी लोग इसको यूजलेस भी कहते हैं, कोई अच्छा भी कहता है। तो हर तरीके की बातें हैं कर्ल्ड को लेके। बट अगर मैं टॉप एक्सचेंज की बात करूँ ना इसको लेके, देखो यहाँ पे टॉप एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं।
टॉप 10 बाइनेंस एफटीएस कॉइनबेस कैरकन गेट डॉट आईओ बाइनेंस यूएस केयू कॉइन बिटफिनेक्स रूबी ग्लोबल और बेस्ट सैम। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको टॉप 7 एक्सचेंज जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। केयू कॉइन पे आप इसको खरीद सकते हो, गेट डॉट आईओ पे अवेलेबल है जो कि टॉप एक्सचेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं इसके सीधे मार्केट पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम लोग मार्केट पे, तो ये देखो इसका जो मार्केट है यहाँ पे गेट डॉट आईओ पे अवेलेबल है, केयू कॉइन पे अवेलेबल है, पोलोनिक्स है, बायबिट जैसे एक्सचेंज पे है, मैक्सी ग्लोबल पे है, एलबैंक है, बिटमार्ट पे अवेलेबल है, मतलब अच्छे अच्छे कुछ एक्सचेंजेस है जहां पे अवेलेबल है। हालांकि अभी और भी लिस्टिंग होना इसकी बाकी, काफी एक्सचेंजेस है जहां पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो जब तक पूरी एक्सचेंज लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, जब तक इसकी प्राइस में कुछ पंप देखने को नहीं मिलता है, और बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज और कॉइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज जब तक इसमें इसको क्या कहते हैं लिस्ट नहीं करते, तो इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जब लिस्ट करेंगे तो पंप आपको जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे 11.80% का थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, तो लगभग ठीक ठाक टोकन है। पर ये है कि किसी भी टोकन में ज्यादा पैसा फंसाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार क्रिप्टो में हमेशा रिस्क रहता है। अगर आप यार वो मैं ही अगर कोई $70 लगा रहा है तो यार वो शिबा इनू में लगाना पसंद करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे शिबारियम जो है लॉन्च होने वाली है, शिबा इनू काम कर रहा है, 100% शिबारियम आएगी मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि सितंबर के बाद आपको शिबारियम रिलीज होती हुई दिखे, अक्टूबर नवंबर के अंदर बीच में, हो सकता है लेट भी हो जाए 2023 में दिखे, बट आएगी जरूर, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है गाइज। और शिबा इनू वालों ने ये भी कहा है कि यार शिबा इनू की जो पावर है शिबारियम के बाद ही पता लगेगी। ठीक है, और इथेरियम मर्ज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो देखो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे गैस फीस को लेकर उन्होंने कहा है कि गैस फीस को भी कम नहीं होगी, तो उसका दूसरा सॉल्यूशन है शिबारियम, शिबा इनू की कम्युनिटी जो उसको बहुत सपोर्ट करने वाली है शिबारियम चेन को। ठीक है गाइज, लेयर टू सॉल्यूशन जो है यहाँ पे इथेरियम पे। तो गाइज ये है कर्ल डीओ की टेक्नोलॉजी में जो मैंने आपको सारी बताई है, तो ये सारी चीजें हैं कर्ल डीओ को लेके। तो गाइज अगर आप $70 लगाना चाहते हो तो मैं तो यही कहूंगा यार शिबा इनू में डाल देना। ठीक है, कर्ल डीओ में तो अभी मत डालना। हाँ, $10 का इन्वेस्टमेंट आप इसमें जरूर कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह मैं किसी को नहीं देता। तो ये वीडियो था कर्ल डीओ के प्रति आप लोगों की फरमाइश में। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज विकास। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम लोग टेरेरियम टोकन के ऊपर, वो भी आज ही। ठीक है गाइस, देखते हैं टेरेरियम का क्या हाल चल रहा है और क्या हो रहा है टेरेरियम के अंदर, पर बात करते हैं।